Like the video, subscribe to the channel, and also press the bell icon for latest video updates. नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप ज्योग्राफी का आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लाया हूं बच्चों। पिछले लास्ट टॉपिक में जो हम लोगों ने पढ़ा था ओशन करेंट्स, उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी के क्रम में उसके पहले हम लोगों ने वर्ल्ड की फेमस झीलें पढ़ी थी। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर इंडियन लेक्स को भी पढ़ाया जाए, तो उसी क्रम में मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ भारत की प्रमुख झीलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट SSC में, UPSC में, PCS में, जितने भी GS के जहाँ पूछी जाती, यहाँ तक कि बैंकिंग के एग्जाम्स में भी कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चंस इसमें आ जाता है लेक से जुड़ा हुआ, कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन, इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग देखने को मिल जाते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं लेक्स पे। बच्चों बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक है, तो हमें देखना है और याद रखना है, इसलिए इस टॉपिक को लर्न करने के लिए हमें बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में कि कौन सी झील कौन से राज्य में है या उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो हम लोग देखेंगे कि आगे जब इसमें देखेंगे स्लाइड्स में आपको दिख रही होंगी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें। तो जम्मू कश्मीर की जो लेक्स हैं ये सभी कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में है। देखते हैं इसमें से पहले हम लोग देख लें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी हैं। लेक वुलर, वुलर झील बहुत ही फेमस है, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, साथ में मीठे पानी फ्रेश वाटर की भी ये सबसे बड़ी झील है। डल झील, मानस बल, गंधार बल, अच्छा बल, तो देख रहे हैं बल फोर्स वाले जहाँ ताकत वाले नाम है, ये कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में, और ताकत के बल पर हम पाकिस्तान और चीन से भी डटे हुए वहाँ पर। तो मानस बल, गंधार बल, अच्छा बल। इसके बाद हम देखते हैं नाग वगैरह जो वर्ड्स होते हैं, जैसे नागिन झील, बेरी नागा, शेषनाग, तो नागिन, बेरी नागा, शेषनाग, अनंतनाग, सुरिनसर और गौडसर, ये सभी झीलें किस राज्य में हैं। अब तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ये झीलें स्थित हैं। देखिए इसमें से हमें याद तो रखना है कौन कौन सी झीलें, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक तो वुलर झील से यहाँ पे बनते हैं क्वेश्चन और डल झील से। इसके अलावा पहले हम लोग देखते हैं वुलर झील के बारे में, तो हम लोग डिस्क्रिप्शन करेंगे अभी पूरा प्रॉपर करेंगे कि वहाँ से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे डल झील से बनते हैं। डल झील तो जम्मू कश्मीर में है, ये आपसे जो क्वेश्चन आते हैं कि डल झील कहाँ पे है या कौन सी राजधानी डल झील के किनारे है, श्रीनगर, श्रीनगर, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, कौन सी झील के किनारे, डल झील के किनारे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी झील के जल पर या वाटर मार्केट लगती है, वाटर मार्केट, ठीक है, मीन्स पानी पर बाजार, नावों पर हम देखते हैं यहां पर क्या हाउस बोट्स हैं, टूरिज्म के लिए काफी फेमस है हाउस बोट, देखते हैं हम लोग फिल्मों वगैरह में, लोग जाते हैं घर जैसा बना रहता है नावों पे, उसी पे क्या होता है लोग जाते हैं, टूरिस्ट रहते हैं, तो काफी टूरिज्म का जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हिस्ट्री से जब कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, डल झील के दोनों तरफ दो बाग हैं, गार्डन है जो मुगल काल में डेवलप हुए थे, एक हमारा निषाद बाग, निषाद गार्डन और शालीमार बाग, शालीमार गार्डन। तो देखिए देखा जाए तो ये नूरजहां ने बनवाए थे, उसके भाई आसफ खान ने, लेकिन एग्जाम में क्या पूछता है किस मुगल बादशाह के समय के हैं या किसके ने बनवाए, तो ये नूरजहां किस में थी, जहांगीर, किसके समय में, जहांगीर के समय। बच्चों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किससे सारे जुड़े हुए हैं, डल झील से, टूरिज्म के लिए काफी फेमस, कहाँ है, कौन सा नगर है, श्रीनगर, और हमें पता है श्रीनगर का फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था, सम्राट अशोक, मौर्य शासक सम्राट अशोक, ठीक है, ग्रेट रूलर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डल झील के बारे में हमें बन जाते हैं, तो हमें याद रखना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके अलावा कुछ नाम हम लोग देख रहे हैं, जैसे आपने देखा बेरी नागा और शेषनाग, दो नाम हैं झीलों में, बेरी नाग एंड शेषनाग, ठीक है। तो ये कहाँ है, शेषनाग
झील है, बेरी नगर जगह है, दोनों लगभग आसपास ही हैं। और यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी झेलम नदी निकलती। कौन सी नदी निकलती बच्चों? तो आपसे क्वेश्चन आता है कि किस झील से झेलम नदी निकलती, किस स्थान से? तो बैरी नागा ऑप्शन होगा या फिर सेसा। और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आगे बढ़ते इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये जो झील है इनके नाम हमें याद रखने हैं, वुलर, डल, बैरी नागा, नागिन, सेसनाग, गंदार बल। तो बल वाले नाम, नाग नागिन वाले नाम, चाहे शेष नाग हो, तो ऐसे हम ट्रिक्स के दम याद भी रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं वुलर झील के बारे में, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे वुलर झील, जैसा कि सभी को ऑलमोस्ट मालूम भी रहता है, याद भी हैं ये फैक्ट्स, लेकिन फिर भी रिविजन के तौर पर। तो वुलर झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो सबसे बड़ी झील भारत की कौन सी, हमारा आंसर होगा वुलर झील। साथ ही साथ ये भारत में फ्रेश वाटर, ताजे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। और इसका निर्माण टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के दौरान हुआ, विवर्तनिक प्रक्रिया मीन्स जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, हिमालय का निर्माण हो रहा था, तो उसी दौरान ये झील का निर्माण हुआ है। और ये कश्मीर घाटी में है। तो ये कैसी झील है? एक गोखुर झील है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब पढ़ा था मेंढक, जैसे हमने कहा था नदियां मैदानी क्षेत्रों में सांप के आकार के बनती हैं और एक गड्ढे के से अलग हो जाती हैं, तो ऐसी झीलों को ऑक्सबाउ लेक या गोखुर झील कहते हैं। विश्व की झीलों का टॉपिक मैंने वहां पर विधिवत इस चीज को समझाया था कि गोखुर झील या ऑक्सबाउ लेक क्या होती है, तो इस चीज को याद रखना। तो वुलर झील कैसी झील का उदाहरण है? एक गोखुर झील का उदाहरण है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वुलर झील को कौन सी नदी पानी सप्लाई करती है? तो अभी बताया गया झेलम नदी। तो वुलर झील को कौन सी नदी पानी सप्लाई करती है? झेलम नदी इसको पानी सप्लाई करती है। ठीक है, तो इन फैक्ट्स को हमें याद रखना है। और दो बहुत ही फेमस हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जल विद्युत परियोजनाएँ जो इस झील से जुड़ी हुई हैं। एक हमारी, उसका नाम है वुलर जल विद्युत परियोजना, वुलर हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट्स, और दूसरी तुलबुल हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं वुलर से रिलेटेड। तो इतनी अगर हम फैक्ट्स याद रखेंगे तो हमारा यहां पर कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को हम लोग इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। लेक वुलर वही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस स्लाइड को फॉलो करेंगे, आपको सभी चीज़ें इंग्लिश में मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो अब हमें ध्यान रखना है कि लद्दाख की कौन सी झीलें प्रमुख हैं। और इसमें से जो पहली झील आपको दिख रही होगी पैंगोंग त्सो, पैंगोंग त्सो झील है। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, क्यों? क्योंकि भारत और चीन के बीच जो हमारा विवाद चल रहा है इसी झील के बीच में है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कौन सी झील LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किस झील से पास करती है, गुजरती है? तो हमें क्या बताना है कि पैंगोंग त्सो झील है, ये कहाँ पे है? लद्दाख पे है। और दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो LAC किसके किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच। आजकल डिस्प्यूट का विषय है, चीन अतिक्रमण कर रहा है इस लाइन का। तो और दूसरी क्वेश्चन है कि ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थित खारे पानी की झील है, मीन्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ सलाइन वाटर, मीन्स सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कोई विश्व में खारे पानी की झील है, तो वो कौन सी है? हमारी पैंगोंग त्सो। इसके अलावा अगर हम लोग देखें यहाँ पर त्सो मोरेरी झील और त्सो कर झील, तो त्सो एक वर्ड जुड़ा पहाड़ी झीलें हैं, इनके नाम हैं। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश की झीलें। हिमाचल प्रदेश की जो झीलें हैं वहाँ पे कुछ नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं, जिसमें रेणुका झील कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है। इसके अलावा जो यहाँ पर है सूरजताल, चंद्रताल,
तो ताल अक्सर हम लोग देखते हैं, सुनने में आता है कि बहुत लोग कहते हैं कि ताल वर्ड लगा हो तो वो उत्तराखंड की झीलों में, लेकिन ऐसा कोई बिल्कुल मापदंड नहीं, अन्य जगह भी मिलती हैं जैसे उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल, रामगढ़ ताल, ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अधिकांश उत्तराखंड की झीलों में ताल वर्ड लगा रहेगा, हम लोग देखेंगे भी अभी आगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश की अगर लेक्स हम देखें तो इसमें हमें रेणुका याद रखनी है, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है सूरज ताल, चंद्रताल, मच्छी ताल और भृगु, ये नाम है यहाँ पे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है इसके अलावा गोविंद सागर, जो सिखों के अंतिम और दसवें गुरु थे, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, तो गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील जो हमारा भाखड़ा नांगल डैम है उसी के पीछे जो उसका पानी रोका गया है, उसी रुके हुए पानी को, स्रोत रिजर्वियर को, वाटर रिजर्वियर को हम क्या कह देते हैं बच्चों, गोविंद सागर झील, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अगर हमें याद रखिएगा गोविंद वल्लभ पंत झील, गोविंद वल्लभ पंत झील ये भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो गोविंद वल्लभ पंत झील, तो नाम दोनों में गोविंद है लेकिन एक हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर और दूसरी गोविंद वल्लभ पंत झील, भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है, और ये कहाँ है, सोनभद्र, सोनभद्र यूपी, कौन सी नदी, रिहंद नदी, ठीक है, और रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है बेसिकली, लेकिन हम लोग जब पूरा बात करते हैं तो हम किस में मानते हैं, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में से मानते हैं, ठीक है, तो गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश और गोविंद वल्लभ पंत झील, गोविंद वल्लभ पंत कौन थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है, तो हम इन्हें याद रखेंगे, फैक्ट्स हैं हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो लेक्स हैं हमारे पास आपको दिख रहा होगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ की एक झील अक्सर आपसे पूछी जाती है, तो चंडीगढ़ कहते हैं भाई बहुत धन संपत्ति वाला शहर है, तो सुखना वहाँ पर पैसा होगा तो लोग कैसे होंगे, सुखी होंगे, तो वह सुखना झील कहाँ है, चंडीगढ़ में है, ठीक है, तो एक ही झील हमें यहाँ पे याद रखते हैं। इसके अलावा हरियाणा, तो हरियाणा में सूरज कुंड झील है, सूरज कुंड का मेला भी आपसे अक्सर पूछता है कि सूरज कुंड का मेला कहाँ है, तो कहाँ लगता है, किस राज्य में लगता है, हरियाणा में, तो ये दोनों बहुत आर्ट और स्थापत्य का, शिल्पकला का एक मेला है, सूरज कुंड का मेला बहुत फेमस है, आपके एग्जाम में जीके टाइप क्वेश्चन आ जाता है, तो सूरज कुंड झील के किनारे ही वो मेला लगता है, तो सूरज कुंड झील हरियाणा की है, सुखना चंडीगढ़ की है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की झीलें, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, उत्तराखंड की झीलों में एक शब्द बड़ा कॉमन है, ताल वर्ड, तो एक क्लू रखना है, लेकिन 100% सही नहीं बात है, क्योंकि अभी हमने देखा सूरज ताल, चंद्रताल कहाँ पे था, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में तालवर्ड हमें मिलता है, ज़्यादातर देखिए देखिए देवताल, उत्तराखंड की सबसे ऊंची झील, भारत की नहीं है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची झील है देवताल, नैनीताल, नैनीताल, सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, मालवा ताल और खुरपा ताल, इसके अलावा जो एक नाम दिख रहा है आपको, रूपकुंड, बोन लेक, या इसको हम लोग कंकाल झील कहते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है ये, तो यहाँ पे देखिए देवताल, नैनीताल, सब में ताल लगा है, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, तो ताल 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 वर्ड आ रहा है, तो ताल रखना है, लेकिन 100% ताल हमें उत्तराखंड में नहीं देना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेक्स अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी गई हैं, तो उत्तराखंड के लिए, और उत्तराखंड की जो झीलें हैं कैसी हैं, ग्लेशियर लेक्स हैं, ग्लेशियर बर्फ से है, जब बर्फ का पानी गड्ढों में रहता है, जब वहाँ पे पानी पिघलता है गर्मियों में, तो उसे ऐसे झीलों का निर्माण इन क्षेत्रों में पहाड़ों में हो गया है, तो कैसी झीलें हैं उत्तराखंड की, ग्लेशियर लेक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन याद रखना है, नैनीताल जिसे हम झीलों का जिला कहते हैं, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने विश्व की झीलों में पढ़ा था, नैनीताल इसको हम लोग झीलों का जिला कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स, ठीक है, नैनीताल, और एक क्वेश्चन आया था भाई कि कौन सी झील का आकार पी मीन्स जिसको हम नाशपाती कहते हैं, ठीक है, नाशपाती के आकार का है ये पी, हम लोगों ने देखा होगा सेब की तरह आता है, अब उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा होता है ये, उसी का आकार है, तो नाशपाती के आकार की कौन सी झील है, तो नैनीताल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
उत्तराखंड से, राजस्थान की झीलें। देखिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं लेक्स में, उन राज्यों में राजस्थान की झीलें भी बहुत फेमस हैं। देखिए राजस्थान की झीलों के क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खारे पानी की झीलें और ताजे पानी की झीलें, या फ्रेश वाटर लेक्स या सेलाइन वाटर लेक्स। तो सबसे पहले हम लोग जो राजस्थान की झीलें देखने जा रहे हैं उसमें वो कौन सी झीलें हमारी खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, देखिए राजस्थान में खारा पानी की झीलें क्यों, क्योंकि मरुस्थल है। लेकिन इसका कारण मरुस्थल नहीं है कि जब मैदानों का निर्माण हुआ तो इस स्थान पे जो मैदान बने जो स्थित, क्योंकि हमें मालूम है हिमालय पर्वत 33 सागर से उत्पन्न हुआ है, और 33 सागर की तलछटी में उसके बेस में क्या थी, चट्टानें थी। जब ये चट्टान हिमालय से, और धीरे धीरे जो मैदानों का निर्माण हुआ है वहाँ पर नदियों के कटाव से ही मिट्टी आई है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी हमें कैसी झीलें दिखती हैं, खारे पानी की झीलें भी राजस्थान में मिल जाती हैं। दूसरी बात, मरुस्थल भी है, काफ़ी वाष्पीकरण भी होता है, इस कारण से भी यहाँ पर खारे पानी की झीलें मिलती हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की झीलों का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है, तो हमें बताना है वायु अपरदन। वायु अपरदन की क्रिया से, एयर एरोजन ना, या विंड एरोजन, विंड एरोजन की क्रिया से इन झीलों का निर्माण हुआ है। अपरदन मीन्स मिट्टी का कटाव, हवा बहुत चलती है मरुस्थल में, खुले होते हैं पेड़ पौधे नहीं, तो गड्ढे गड्ढे खाली खाली तो गड्ढे हो गए, अब उन्हीं में पानी भर गया है, तो ऐसी झीलों को वायु क्रिया से निर्मित कहते हैं हम लोग अपरदन, विंड एरोजन से इन झीलों का निर्माण हुआ है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी झीलें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सांभर झील, सांभर झील है हमारी, डीडवाना, डेगाना, लूनकरसर, कुचमन, फौलादी, ताल छप्पर, पंचपद्रा और रिवाशा। इसमें से देखिए पूछने के लिए तो कोई भी पूछ सकता है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सांभर, तो इम्पॉर्टेंट ही है। सांभर क्यों इम्पॉर्टेंट है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो याद रखिएगा लार्जेस्ट लेक ऑफ सेलाइन वाटर इन इंडिया, ये जयपुर में राजस्थान में है, जयपुर में सांभर झील राजस्थान में है, वो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन पूछ देता है अंतःस्थली, अंतःस्थली मीन्स लैंडलॉक, क्योंकि ये समुद्र तो मिलता ही नहीं है, तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, हमें बिल्कुल लार्जेस्ट लेक ऑफ सेलाइन वाटर इन इंडिया। कोई अक्सर लोग चिल्का लगा देते हैं, चिल्का तब लगाना जब आपसे लैगून पूछेगा, लैगून वर्ड नहीं है तो खारा पानी हम क्या लगाएंगे, सांभर। ठीक है, तो सांभर, इसके अलावा डीडवाना, डेगाना, लूनकरसर, आपके कुचमन, फौलादी, ताल छप्पर, पंचपद्रा और रिवासा, तो ये झीलें हमें नाम याद रखना है। आगे देखते हैं राजस्थान में ऐसी झीलें जिनका पानी कैसा है, फ्रेश है, मीठे पानी की हैं, और इसमें से अधिकांश झीलें कैसी हैं, आर्टिफिशियल लेक्स हैं। राजा महाराजाओं ने अपने शासनकाल के दौरान मरुस्थल था तो पानी की व्यवस्था भी शासकों को करनी होती थी, इस क्रम में अनेक झीलों का निर्माण राजस्थान में वहाँ के शासकों ने कराया है। इसमें से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पिछौला, पिछौला झील कई बार एग्जाम में पूछी गई, कहाँ पर है, राजस्थान में है, लेकिन जब राजस्थान का पेपर देते हैं तो आपसे जिले में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ऐसे जनरली जोधपुर, उदयपुर, इन झीलों में इन झीलों का निर्माण किया गया है, लेकिन जनरली सेंटर एग्जाम्स में या अदर स्टेट्स में हम इनके जिलों के बारे में क्वेश्चंस नहीं आते। आपको राजस्थान का पेपर देना हो तो कौन से जिले में ये झीलें हैं उनके बारे में पढ़ना, अदरवाइज हम इनको नाम याद रख सकते हैं, जैसे पिछौला, जयसमंद, राजसमंद, तो जयसमंद, राजसमंद, बालसमंद। ठीक है, एक जयसमंद राजस्थान की सबसे बड़ी झील है और ये सबसे बड़ी राजस्थान में आर्टिफिशियल लेक भी है, तो पिछौला, जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर, एक ये भी नाम बहुत फेमस है, पुष्कर, पुष्कर तालाब या पुष्कर झील, क्योंकि यहां पर भारत में कहते हैं कि ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर या पुष्कर मेला कहां लगता है, तो राजस्थान में। ठीक है, तो पुष्कर, पुष्कर झील के पास आनंद सागर, नक्की झील, ये पूछा गया एग्जाम में, नक्की झील, अना सागर, अना सागर, फाय सागर, जैत सागर, दैलाब, कनक सागर, सिलसर, कैलाना, ग्याप सागर, नवल सागर, फतेह सागर, दूध तलाई,
गैड शीर्षक। देखिए बहुत सारे नाम हैं इस तरह से, तो सागर हैं इस तरह से आपके, देखे नाम शासकों के नाम पे हैं, राजाओं के नाम पर है, फतेह सागर, बाल समंद, जय समंद, तो ऐसे नाम हमें कहाँ से बनाने हैं? राजस्थान में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो नाम बहुत ही फेमस हैं, हम लोग देखते हैं कैसे। तो आपने नाम सुना होगा राजस्थान में रावत भाटा न्यूक्लियर एनर्जी केंद्र, तो उसको पानी की सप्लाई के लिए राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील, और गांधी सागर झील, ठीक है, राणा प्रताप, जवाहर सागर। देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है, तीन झीलें दे दी और पूछा कि नॉर्थ से साउथ के क्रम में इनको लगाइए, तो ये राणा प्रताप सबसे ऊपर और ये सबसे नीचे, और इनमें से जो ऊपर की दो झीलें हैं राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये झीलें हमारी राजस्थान में हैं, राजस्थान में। लेकिन नीचे की गांधी सागर झील ये हमारी कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा तीन झीलें हैं नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, जवाहर सागर राजस्थान में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इन तीनों झीलों को जो निर्माण किया गया, आर्टिफिशियल लेक्स हैं ये तीनों ही झीलों का निर्माण किस नदी के पानी पे हुआ है? तो चंबल, चंबल नदी बहुत ही फेमस है। हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जब नदियों को पढ़ेंगे कि कौन सी झील है जो रिवाइंस बनाती है, ठीक है। राजस्थान के बाद अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की झीलें, और मध्य प्रदेश की झीलों में अभी जैसा कि हम लोगों ने लास्ट में दे पढ़ा था राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, उसमें हमने कहा था गांधी सागर कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो हमारी टेबल में गांधी सागर सबसे ऊपर दिख रही है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। इसके अलावा एक भोज ताल, राजा भोज हुए तो राजा भोज ने एक भोज ताल बनाए थे। अब भोज ताल देखिए झील एक ही है भोज ताल, लेकिन अब एग्जाम में नाम अलग अलग आता है। लोअर लेक अपर लेक किस राज्य में है? तो जो भोज ताल है इसी के दो पार्ट हैं, जो ढाल वाला हिस्सा है उसको लोअर लेक कहते हैं, जो ऊंचाई पर हिस्सा है उसको अपर लेक कहते हैं। तो भोज ताल कह दिए उसको लोअर लेक अपर लेक एक ही झील है। मोती झील है मध्य प्रदेश की, ये भी शाहपुरा झील ये भी मध्य प्रदेश में। सारंग पानी झील पूछा गया एग्जाम में, सारंग पानी झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और लाल बंद डैम नहीं, लाल बंद झील ये भी मध्य। इंपॉर्टेंट के लिए हमें भोज ताल मध्य प्रदेश याद रखना है बिल्कुल, भोज ताल और गांधी सागर बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, अपर लेक लोअर लेक पूछ ले तो हमें टेक्निकली मालूम होना चाहिए। शाहपुरा झील मध्य प्रदेश में, ठीक है, सारंग पानी मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, बिहार की झील है, ठीक है, बिहार। देखिए एग्जाम में तो नहीं पूछा, लेकिन जब बिहार के पेपर में देने जाते हैं तो वहां पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि बिहार में कौन सी झील, कंवर झील, कुशेश्वर झील, घोंघा झील, उदयपुर छोल। ये इंपॉर्टेंट कभी भी पूछ सकता है कि उदयपुर झील कहाँ है, तो लोग कहाँ बताएंगे? राजस्थान, राजस्थान में उदयपुर है, लेकिन बाजी कौन मार ले जाएगा? बिहार। तो उदयपुर छोल झील कहाँ है? बिहार में है। और सिमरी बख्तियारपुर, तो सिमरी बख्तियारपुर हमको लगता है जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को चलाया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मंत्री था नालंदा को उसने नष्ट किया था, तो उसी दौरान सिमरी बख्तियारपुर हो सकता है मे बी उसके नाम पे रखा गया हो। तो सिमरी बख्तियारपुर झील भी कहाँ है? बिहार में है। तो कंवर, कुशेश्वर, घोंघा और उदयपुर छोल ये झीलें कहाँ की हैं? बिहार की। आगे देखते हैं, झारखंड की झीलें, तो झारखंड रांची झील, रांची झील झारखंड में। बेकर बांध, बेकर बांध कहाँ है? ये भी झारखंड में। धुरवा डैम और डिम्मा, तो धुरवा डिम्मा बेकर और रांची, ठीक है, धुरवा डेम्मा बेकर और रांची। तो ये लेक्स हैं, बहुत अधिक पूछी नहीं गई लेकिन फिर भी एक नज़र हमें डाल देना है। आगे बढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल की, कभी जनरली आती नहीं एग्जाम में लेकिन फिर भी एक बार नज़र डाल लेना है। मिरिक झील, रसिक झील, सेमांधु, सिलचेल और सागर देंगी, ठीक है, नहीं याद होती कोई बात नहीं, इनको छोड़ देंगे आगे बढ़ेंगे। एक नज़र की बात है, हाँ, गुजरात की झीलें ये एग्जाम में पूछी गई हैं कई बार एग्जाम में आ गया, खासकर कंकरिया, कंकरिया झील पूछी गई है, सूर सागर, नारायण सरोवर, नाल सरोवर, गोपी तालाब, दामोदर कुंड, दामोदर डैम भी है गुजरात में,
तोलटक और हमीशर झील। इसमें देखिए सूर सागर, कंकरिया और नाल सरोवर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाल नारायण सरोवर ये भी, लेकिन तीन कंकरिया, सूर सागर और नाल सरोवर ये हमें बिल्कुल, और दामोदर तो याद रखना ही है, दामोदर डैम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गुजरात के बाद महाराष्ट्र की झीलें। तो महाराष्ट्र की झीलें, एक ही झील बहुत इंपॉर्टेंट, लोनार। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लोनार कहाँ पे है, लोनार लेक बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट, बुलढाणा जिला महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये कैसी झील है, एक क्रेटर झील है, क्रेटर झील है, हम लोगों ने विश्व की झीलों के टॉपिक में इसको पढ़ लिया ऑलरेडी, क्रेटर झील है, और जिसको कभी कभी उल्का पात से बनी झील के कहते हैं ना, उल्का पिंड होते हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं वो गिरे जिससे पृथ्वी पर बहुत गहरा गड्ढा हो गया उस कारण, तो प्राकृतिक क्रिया से बनी एक झील हम बताते हैं कि जैसे विनाश से बनी है। तो लोनार झील कहाँ पे, क्रेटर झील का उदाहरण है, ये कई बार क्वेश्चन है, उल्का पिंड से निर्मित झील, उल्का पिंड स्ट्राट से बनी पिंड है, ठीक है। तो ये उल्का पिंड से बनी, क्रेटर झील, बुलढाणा झील, और हाल ही में ये चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि बैक्टीरिया के प्रभाव से इसका पानी कैसा हो गया है, गुलाबी रंग का हो गया है, ठीक है। बैक्टीरिया बढ़ने से यहाँ पे कलर गुलाबी हो गया, तो कौन सी झील का रंग बदला भारत में, गुलाबी रंग का है, तो लोनार झील महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा उपवन, रणकाला, रामको, मुंशी, वेन्ना, पिंपरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें लोनार बिल्कुल याद करना है, उसके फैक्ट भी हमें याद रखने हैं, अन्य झीलों को हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो एक नज़र देख लेंगे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की झीलें, ठीक है, नाम अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, तो आपसे एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चंस पूछ देते हैं। विवेकानंद सरोवर, पुष्पा सरोवर, महाराजबंद, तेलीबंद, दलपत सागर और मुंड गंगा। तो विवेकानंद सरोवर ये इंपॉर्टेंट आपकी, पुष्पा सरोवर, इन नामों को हमें याद रखना है, विवेकानंद, पुष्पा सरोवर, मुंड गंगा, दलपत सागर, महाराजबंद, तेलीबंद, ठीक है। तो इसमें आगे की दो याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना की झीलें, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखना है आपको बच्चों, ठीक है। विशेषकर आगे के, इस बार भी पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए, हुसैन सागर झील, हुसैन सागर तेलंगाना, हिमायत सागर तेलंगाना, उस्मान सागर तेलंगाना। तो हुसैन सागर, हिमायत सागर, उस्मान सागर, हुसैन सागर, हिमायत सागर, उस्मान सागर, लोटस झील, बहुत अधिक कमल होते हैं इसमें, ठीक है। तो लोटस झील भी कहाँ है, तेलंगाना। लंकावरम, लंकावरम भी कहाँ है, यहीं पर। रमप्पा झील और पहकल झील, ठीक है, पहकल झील ये भी तेलंगाना की झीलें हैं, लेकिन स्टार्टिंग की तीन बिल्कुल याद होनी चाहिए, हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की झीलें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तटीय झीलें हैं, लेकिन अभी हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे विस्तार, लेकिन फिर भी एक देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो कोलेरू झील, चंबम झील और पुलिकट झील, कोलेरू और पुलिकट दोनों लैगून झीलें, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसी झीलें होती हैं। तो कोलेरू झील, चंबन झील और पुलिकट, पुलिकट देखिए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, लेकिन इसका 96% कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, इसलिए अगर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों ऑप्शन में हों और हमें पुलिकट झील का ऑप्शन लगाना, तो हमारा कहाँ लगेगा भाई, जहाँ पर जिसके पास 96% शेयर होगा उसी को हम होल्डिंग मानेंगे। तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों में अगर हमें देखना है तो पुलिकट झील कहाँ पर होगी, हमारी आंध्र प्रदेश में होगी। तो आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु की झीलें अगर हम लोग देख लें, तमिलनाडु में अभी हमने बताया पुलिकट आंध्र प्रदेश में, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा कहाँ है, तमिलनाडु में, इसलिए हम लोग इसको तमिलनाडु में भी रखे हैं। आगे देखिए यहाँ के नाम हमें याद रखने हैं, कंबकम, चंबकम, देखते हैं बहुत सारे नाम हैं। तो पुलिकट झील ये भी तमिलनाडु में है, विरानम, अयम्बकम, अक्कम, चिरम्बक्कम, चितलापक्कम, चेटपुट, कावेरी पक्कम,
कड़ुवेती और कोलवाई। अब देखिए नाम बड़े हैं, चेन्नई एक्सप्रेस चल रही है पिक्चर, हाँ चलिए भाई, पुलिकट बिल्कुल याद रखना है, इसके अलावा अयम्बक्का अक्कम, चेरम्बक्कम, चितला पक्कम और कावेरी पक्कम, ये नाम आपसे पूछा, नाम अजीब अजीब से हैं इसलिए, लेकिन अक्कम पक्कम बक्कम ऐसे नाम कहाँ पे आएंगे, तमिलनाडु की झीलों में, ठीक है। और लेकिन यहाँ पुलिकट, आगे बढ़ते हैं उड़ीसा की झीलों में, और हम लोगों ने कहा चिल्का बहुत फेमस नाम है, चिल्का झील उड़ीसा की है, इसके अलावा चिल्का के बारे में हम लोग अभी पूरे पॉइंट्स देखेंगे तो घबराना नहीं है, चिल्का झील उड़ीसा में है, अनसुबा झील उड़ीसा में है, पाटा उड़ीसा में है, कंजिला उड़ीसा में, बिंदु सरोवर, इंद्रावती डैम, याद रखिएगा इंद्रावती नदी नहीं है, इंद्रावती डैम है, तो इंद्रावती डैम को इसके हिस्से में आ रहा है उड़ीसा में, तो याद रखना है, कोलाब डैम और हीराकुंड, हीराकुंड तो हमें मालूम है, हीराकुंड डैम, हीराकुंड, हीराकुंड डैम की खासियत क्या है, विश्व का सबसे लंबा बांध, महानदी पर है, लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे लंबा बांध 4801 मीटर, लगभग देखा जाए तो 4.8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के आसपास की लंबाई पहुंच जाती है, तो हीराकुंड डैम विश्व का सबसे लंबा डैम और कहां पे है, महानदी पर, तो महानदी पर ये डैम बनाया गया है उड़ीसा में, महानदी को उड़ीसा की जीवन रेखा भी कहते हैं, नदियों वाले टॉपिक में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये नाम हमें चिल्का, आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक की झीलें, ये भी नाम याद रखने हैं, कृष्णा सागर, कृष्णा नदी है, कृष्णा सागर, करंजी, कुकरा हल्ली, हैब्बल, लालबाग बॉटनिकल गार्डन झील, बेलंदरू, उसलूर और सिंकई टैंक। तो देखिए दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, नाम बड़े अजीब हैं, तो बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, कृष्णा सागर, करंजी, कुकरा हल्ली, हैब्बल, तो अब नाम ही है कन्नड़ भाषा है, अब नाम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारी तरफ के होते तो आप भाई नाम मोहन सोहन जैसे नाम चल जाते हैं, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है हमारी, नाम है तो पढ़ने हैं, जैसे नाम है हमारी भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल है, ठीक है। तो इनको देख लेंगे, रिविज़न करेंगे, याद हो जाती है, क्वेश्चन पेपर बनते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इतने नाम शामिल मेरा करने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है, कभी कभी ऐसे नाम पूछ देते हैं अजीब अजीब, फॉरेस्ट सेंचुरी, तो हमें याद नहीं रखने, अगर वो किसके नाम पे होते हैं, या तो झील के नाम पर, उस एरिया के नाम पर, तो ऐसे वो बना दिए जाते हैं। आगे देखते हैं केरल की झीलें, अष्टमुदी बहुत इंपॉर्टेंट, बेम्बानद ये भी लैगून झील है, अष्टमुदी, पेरियार, पेरियार तो जैसे कोई भी काम नाम हो पेरियार का, वो कहाँ लगाना है, केरल का, बिल्कुल, तो अष्टमुदी, बेम्बानद, पेरियार, पेरावूर, संस्थमकोट्टा, कल्याणी, अक्कुल और पुक्काडे, अजीब अजीब नाम है, लेकिन इस ऊपर के दो नाम अष्टमुदी बेम्बानद तो याद ही हो जाना चाहिए, और पेरियार, अष्टमुदी बेम्बानद और पेरियार बहुत ही इंपॉर्टेंट है केरल की, हम इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ब्रैकिस वाटर लेक या लैगून लेक आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, या फिर कयाल झीलें, देखिए अधिकांशतः खारे पानी की झीलें होती हैं, लेकिन 100% नहीं, तो देखते हैं, तो ब्रैकिस वाटर लेक, लैगून लेक या लैगून झीलें या कयाल झीलें, देखिए होता क्या है कि समुद्र के होती क्या है लैगून झीलें, तो हमें समझना है, मान लिया इधर हमारा समुद्र है, समुद्र है तो यहाँ पर पानी होगा, और ये पानी कैसा होगा, खारा पानी होगा, ठीक है। इधर अगर हमारा लैंड वाला पार्ट है स्थल, तो हम देखते हैं समुद्र के किनारे कैसे सैंडी सॉयल होती है, बलुई मिट्टी होती है, अब यहाँ पर कोई गड्ढा है, ठीक है, कोई गड्ढा है, कोई गड्ढा है, या नेचुरली है या कर दीजिए आप, तो क्या देखेंगे कि समुद्री पानी का जो प्रेशर होता है इतना ज़्यादा होता है, और ये मिट्टी बलुई है, तो ये क्या अंदर ही अंदर रिस्क है, इनमें भर जाता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जो समुद्र के किनारे खारे पानी की झीलों को
समुद्र के किनारे खारे पानी की प्राकृतिक झीलें। को हम क्या कहते हैं? लैगून। लैगून झीलें कहते हैं। तो नेचुरल सलाइन वाटर लेक्स फॉर्म्स ऑन द कोस्ट ऑफ सी, ठीक है, ऐसी झीलों को हम लैगून कहते हैं। ब्रैकिस वाटर लेक क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी के प्रेशर से बाहर होना चाहिए लेकिन ये अंदर आ रहा है, इसलिए इसको हम ब्रैकिस वाटर लेक्स कहते हैं। और पांच झीलें हमें ये पढ़नी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे चिल्का झील है। इसके जो फैक्ट्स हैं आप नोट कर सकते हैं इसको। तो इसके जो फैक्ट्स हैं, सबसे पहले हम लोग चिल्का झील के बारे में देखते हैं। तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है भाई, चिल्का झील कहाँ है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर जीके की किताब में, हर बस में जो जीके वाला देखते ना, छोटे बचपन में जीके की किताबें लीजिए, 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो उसमें ये जरूर होता था चिल्का झील कहाँ है। तो चिल्का झील कहाँ है सभी को याद रहता है, उड़ीसा में। लेकिन अब एग्जामिनर भी क्या करता है, क्वेश्चन टफ करने के लिए बना देगा, कौन से ज़िले में? तो पुरी, खुर्दा और गंजाम जिले, जो इसका एक्सपेंशन है, तीन जिलों में है, पुरी, खुर्दा और गंजाम, उड़ीसा में। ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, कौन सी? चिल्का झील। यस, भारत की सबसे बड़ी ब्रैकिस वाटर लेक चिल्का झील। लेकिन ये विश्व की नहीं है, तो विश्व में कौन सी सबसे बड़ी है? फ्रांस की न्यू कैलोडेनियन बैरियर रीफ। तो न्यू, विश्व की सबसे बड़ी लैगून झील न्यू कैलोडेनियन बैरियर रीफ, ये फ्रांस में है। तो ये झील सबसे बड़ी लैगून झील है। लेकिन भारत में अगर आपसे पूछता है तो चिल्का झील हमारी सबसे बड़ी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिल्का झील कौन सी दो नदियों के बीच में, किसके डेल्टा के बीच में? तो हमारी ये महानदी और गोदावरी, महानदी और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच में है। ठीक है, महानदी आती ऊपर से, नीचे गोदावरी है, उड़ीसा के क्षेत्र में, यहाँ पे बीच में चिल्का। तो चिल्का झील कहाँ पे? महानदी और गोदावरी नदियों के बीच में है। और चिल्का झील शिकारी पक्षियों के लिए बहुत फेमस है, टाइल्स यहाँ बहुत सारे हैं, शिकारी पक्षी रहते हैं, मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं इसलिए, ठीक है। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये झील शामिल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली झील थी जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया भारत की, वो कौन सी है? चिल्का। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कहाँ पे है, विश्व में कौन सा स्थान है, भारत में कौन सा सबसे बड़ी ब्रैकिस वाटर लेक है और कहाँ पे है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे चिल्का के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोलेरू लेक, लेक कोलेरू। तो कोलेरू झील कहाँ पे? कोलेरू झील भी हमारी आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और दूसरा पॉइंट जो है कि इट इज़ द लार्जेस्ट सैलो वाटर लेक इन इंडिया, सॉरी एशिया। उथला पानी मीन्स गहराई, कम गहरा पानी, लगभग 5 मीटर के आसपास इसकी गहराई, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है। तो सबसे बड़ी कम गहरे पानी की झील कौन सी है? तब हमारा आंसर चिल्का नहीं लगाना है, कोलेरू लगाना है। कोलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और कोलेरू झील किन दो नदियों के बीच में है? तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच में ये है। तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच में कौन सी नदी झील है? कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और ये सबसे बड़ी कम गहरी झील है। आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको फॉलो करेंगे स्लाइड को इंग्लिश में, कोलेरू लेक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिकट झील बहुत इंपॉर्टेंट, पुलिकट झील, जैसा अभी हमने कहा था कि पुलिकट झील कहाँ है, तो ये भारत में ओडिशा में चिल्का के बाद भारत की दूसरे सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है। तो चिल्का, तो सबसे बड़ी लैगून झील भारत की चिल्का, दूसरी सबसे बड़ी पुलिकट, और ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसका 96% कहाँ पड़ता है? अभी मैंने बताया आंध्र प्रदेश में, 4% कोरोमंडल कॉस्ट तमिलनाडु में पड़ता है इसका हिस्सा। पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य, पुलिकट, पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ है? यहीं पर है उड़ीसा में। और इसके अलावा श्री हरिकोटा, बहुत फेमस नाम है श्री हरिकोटा। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा, श्री हरिकोटा एक आइलैंड द्वीप है, आपसे क्वेश्चन पूछता है किस राज्य में है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, कौन सा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से सेपरेट करता है, एक बैरियर का काम करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? श्री हरिकोटा आइलैंड। श्री हरिकोटा कहाँ? आंध्र प्रदेश में। लेकिन किस झील में स्थित है श्री हरिकोटा? तो पुलिकट झील।
और पुलिकट झील कहाँ पे है तो हम क्या बताएंगे, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु की सीमा पर, एपी आंध्र प्रदेश टीएन तमिलनाडु, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो याद रखना झील पूछेगा दोनों राज्यों में बताना है, श्रीहरिकोटा पूछना है आंध्र प्रदेश में, और पुलिकट झील में इसी जगह पर श्रीहरिकोटा द्वीप पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो हमारे भारत के जो सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किए जाते हैं, श्रीहरिकोटा, और उसका सैटेलाइट सेंटर का नाम क्या है, सतीश धवन सैटेलाइट स्पेस सेंटर, और ये इसरो की एक बॉडी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी एक यूनिट है, एक इकाई है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुलिकट झील देखिए, हाँ पुलिकट झील में क्वेश्चन आया हुआ था, और देखिए पुलिकट झील एक ऐसे लंबी लंबी झील है, तो इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है इस तरफ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है, लेकिन साउदर्न पार्ट पे यहां पर एक पुलिकट गांव है। तो आपसे क्वेश्चन आया था एग्जाम में एक बार, पुलिकट झील का नाम किसके आधार पर पड़ा, तो यहां मछुआरे रहते हैं, पुलिकट गांव के नाम पर इस झील का नाम क्या पड़ा है, पुलिकट। तो पुलिकट गांव साउदर्न पॉइंट पे है और सतीश धवन उपग्रह केंद्र नॉर्थ वाले पॉइंट पे है, ठीक है। तो यहीं पर हमें दो नाम दिख रहे हैं, अष्टमुदी और बेम्बानद। अष्टमुदी और बेम्बानद की साइड में केरल, वेस्टर्न पार्ट में पड़ते हैं, केरल में है ये, वेस्ट कोस्ट पे हैं, केरल की प्रसिद्ध लैगून झीलें, लेकिन केरल में ही इन लैगून झीलों का एक नाम दिया जाता है कयाल। तो आपसे क्वेश्चन आया हुआ केरल के समुद्र के किनारे तटीय झीलों को हम क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, कयाल। तो कयाल कहाँ की झीलें फेमस हैं, केरल की। आगे देखते हैं इन दोनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए बेम्बानद, सबसे पहले बेम्बानद झील, तो ये भारत की सबसे लंबी झील है, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, 10 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, लेकिन ये केरल की सबसे बड़ी झील है। तो केरल की सबसे बड़ी झील बेम्बानद, भारत की सबसे लंबी झील बेम्बानद। देखिए इस झील में कुछ आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, तो व्यापिन, मुलवकट, वल्लारपदम और वेलिंगटन। वेलिंगटन बहुत फेमस है, वैसे वेलिंगटन किसकी राजधानी है, न्यूजीलैंड की, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा वेलिंगटन द्वीप कहाँ है, तो हमें बताना केरल। तो कौन कौन से द्वीप, इसमें वेलिंगटन आपको और वल्लारपदम, वेलिंगटन वल्लारपदम और व्यापिन और मुलुकुट, तो ये नाम याद रखने, मलयालमी नाम है क्योंकि केरल में मलयालम भाषा है, तो मलयाली नाम है, तो थोड़े से अजीब हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएंगे, लेकिन दो को में तो ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, कौन कौन से, वल्लारपदम और वेलिंगटन। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि जो हमारा कोच्चि बंदरगाह है, कोच्चि शहर है, उसका जो निर्माण या डेवलपमेंट किस द्वीपों पर हुआ है, तो इन्हीं दोनों पर, वेलिंगटन और वल्लारपदम, जहाँ पर वास्को डी गामा आया था, कब आया था, 17 मई 1498, केरल मालाबार तट पर कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। तो आगे एक पॉइंट होता है कि भारत में जो नौका दौड़ प्रतियोगिताएं होती हैं, शेलिंग कंपटीशन होती है, बोट कंपटीशन होते हैं, तो नेहरू ट्रॉफी रेस कहाँ है, तो ये सब कहाँ पे होते हैं, इसी बेम्बानद झील में, क्योंकि काफ़ी लंबी है इसलिए यहाँ पर नौका दौड़ प्रतियोगिताएं भी होती हैं, ठीक है। पोंगल नाम सुनेंगे ना त्यौहार, ओणम पोंगल, तो उसमें ना किसमें, ओणम में, ठीक है, केरल का दुद्धा त्यौहार है ओणम, उसी में नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं, और पोंगल किस राज्य का है, तमिलनाडु का, ठीक है। आगे देखते हैं इसी चीज़ को हम लोग इंग्लिश में पुलिकट लेक, तो इंग्लिश वाले बच्चे इसको फॉलो करेंगे, तो पुलिकट लेक के बारे में आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपने फिर पुलिकट के बारे में देखा, तो इसको भी नोट डाउन करना है, अष्टमुदी बेम्बानद के बारे में, फिर आगे देखते हैं हम लोग पूरा अष्टमुदी, ठीक है। तो जितनी बात मैंने हिंदी में कही उनका इंग्लिश मीडियम नोट्स है, ठीक है। तो आज हम लोग लेक्स, इंडियन लेक्स पार्ट वन में इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, आगे जो क्लास होगा हमारा लेक पार्ट टू में, उसमें हम लोग उत्तर भारत की प्रमुख झीलें पढ़ेंगे, सॉरी उत्तर पूर्वी भारत की, जो हमारे 8 राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, इनकी झीलों के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ एक आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की झीलें नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी लेखपाल और UPSI जैसे एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए मैंने उनको बिल्कुल सेपरेट कर दिया है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम लोग इस टॉपिक पे काम करेंगे, उत्तर प्रदेश की झीलें और उत्तर पूर्वी भारत की झीलें। तब तक हम लोग अलविदा कहते हैं और एक मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।